अस्सलामुअलैकुम। आज लेकर आए हैं लच्छे पराठे की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही जल्दी बनता है। लोग इसको जल्दी नहीं बनाते, इसको मुश्किल लगता है। हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी। ये देखिए, हमने एक कप दूध लिया है। ये देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला है, आधा टी स्पून नमक डालेंगे हम। फिर इसमें जाएगी शक्कर जाएगी, ठीक है, 1.5 चम्मच हमने शक्कर डाला है। फिर इसको हम चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध शक्कर नमक को अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हमें एक बर्तन लिया है, उसमें हमें 8 मैदा डालना है, 2 कटोरी हमने मैदा डाला है, ये जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में। फिर 1 चम्मच हमने घी डाला है। घी से क्या होता है ना, अच्छा खसूसा बनाता है, नम क्रिस्पी अच्छे देता है। घी डालने से बहुत ही टेस्टी बनता है, और वाकई ये घर में बनाएंगे ना बहुत ही इजी बनता है ना। आप इसको हर बार बनाएंगे, लोग जल्दी बनाना पसंद नहीं करते हैं, लच्छा पराठा कहते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ये देखिए, हम दूध डाल रहे हैं। दूध की मदद से हम, जो दूध हम बनाए थे ना, उसी दूध से हम पूरा गूंदेंगे ये आटा। ये आटा ना ज़्यादा कड़क होना चाहिए, ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ढीला होगा तो पराठा भी बन नहीं पाएगा सही। जैसे आप नॉर्मल पराठा बनाते हैं ना डेली, वो वैसे ही ये आटा रहेगा, इसका डो रहेगा, ठीक है। ये देखिए, हमारा डो हो गया है, रेडी हो गया है, और इसको हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट रख देंगे इसको। फिर ये देखिए, हमारा हो गया 20 मिनट टाइम। ये देखिए, हम आटे को निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। ये 4 हम इसमें पराठा बनाएंगे, 4 लोई बनाए हैं हम। ये देखिए, बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे हम, बहुत मोटा मोटा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मोटा ना पराठा हमारे घर में कोई नहीं खाता है। मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद है मोटा पराठा। ये देखिए, ये देखिए, मैं हमने 1 चम्मच घी लिया है, फिर उसमें 1 चम्मच मैदा डाले हैं, क्योंकि ये देखिए आगे हम क्या किस पे लगाएंगे। ये देखिए, हम एक लोई उठाए हैं, इसको हम बेलेंगे रोटी की तरह। थोड़ा सा इसमें माटा लगा लेते हैं हम। ये देखिए, बहुत ही इजी बनता है, बहुत ही, जैसे आप नॉर्मल पराठा बनाते हैं ना वैसे ही बनता है। बस थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा, बहुत अच्छा बनता है, वाकई बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। लच्छे पराठा खाने की बात ही अलग होती है। जो हमने घी बनाया था ना, घी मैदा, वो इस पर हम पूरा लगाएंगे, अच्छे से पूरे पूरा करेंगे कवर। ये देखिए, ये देखिए, फिर थोड़ा सी हम आटा सूखा डालेंगे। ये ऐसे हम फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। ये देखिए, एक के ऊपर ये देख रहे हैं, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना। ये थोड़ा थोड़ा इसको हमें पीटना है, पीट के थोड़ा सा लंबा करना है ये आटा हमको। ये देखिए, देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा लंबा हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए हो गया लंबा। फिर ये अंगुली की मदद से, ये देखिए, ऐसे हम इसको शेप देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये इसको ऐसे एक फ्लावर टाइप बन जाएगा। ये देखिए, ये इसको ऐसे रख के फिर ऐसे इसको टैप दबा देंगे अपने उंगली से। देख रहे हैं ना, आपको मुश्किल लगा? नहीं ना, बहुत ही इजी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, इसको अच्छे से हम बेल लेंगे। ये देख रहे हैं, पराठा ना पतला ही अच्छा होता, मोटा ना बहुत ही नहीं अच्छा होता, क्योंकि क्रिस्पी नहीं होता है, वो चीज़ नहीं आती मोटे पराठे में। ये देखिए, ये हो चुका हमारा रेडी। फिर हम एक तवा रखेंगे, तवा पे ये हम डालेंगे। मेरा तवा गरम था, ये हमने डाल दिया। देखिए, बबल्स आ गया, ये देखिए पूरा हो चुका है। फिर हम टर्न करेंगे, ये देखिए, ये इस पर हम फिर तेल लगाएंगे। ये देखिए, देखिए लच्छा दिख रहा है ना आपको। इस चैनल पे नए हैं ना तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख के, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और ये ज़रूर बनाइए।
बहुत ही पसंद आएगा आपको ये वीडियो देखने के बाद, घर पे ज़रूर बनाइए, इतना पसंद आएगा ना। मेरी सारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, आप देखेंगे, आप देख के बनाएंगे ना तो वाकई आप बोलेंगे वाकई इतनी झटपट में बनता है, इतना ज़बरदस्त होती है रेसिपी। चलिए मेरा रेडी हो गया, आप देखिए, इंजॉय करिए, अल्लाह हाफिज़ तब तक।